Now next example again based on string operation. Total discussion में 4 example discuss किए हैं, इनके सारे programs के discussion में one by one provide करूँगा. First one आपको concentrate करना है given example. In that case इस case में simply character array as defined किया गया, लेकिन इस array का size क्या है exactly 2 और array में elements क्या assign किया string as hello. लेकिन check करो इस case में string के अंदर number of elements कितने 5 और array का capacity क्या है only 2. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था किसी भी एरे के ना, चाहे वो कैरेक्टर एरे हो या इंटीजर एरे, किसी भी एरे में पार्शियल इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है. पार्शियल इनिशियलाइजेशन मींस डिक्लेरेशन टाइम इनिशियलाइजेशन. लेकिन पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे. लेकिन इस केस में इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स कितने 5 कैरेक्टर और साइज क्या 2. इस केस में रेज क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर टू मेनी इनिशियलाइजर्स, मींस रेज क्या होगा इस केस में जस्ट कंपाइल टाइम एरर. सिमिलर टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल प्रोवाइड किया है, अगेन मैंने एरे डिफाइन किया एस, इस केस में अगेन एरे का साइज क्या 2, लेकिन इस बार एरे में डायरेक्टली पार्शियली इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करा गया. इस केस में परफॉर्म क्या हुआ है, स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन. सी लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है strcpy, एजम कॉल. इस केस में रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है लाइक स्ट्रिंग डॉट एच, क्लियर. इन दैट केस इस केस में अगर बात करें, इस केस में ना ही कोई कंपाइल टाइम एरर रेज होगा ना ही रन टाइम एरर, लेकिन इस केस में रेज क्या हो सकता है, मे बी सम लॉजिकल एरर. इसके जस्ट इसका बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोग्राम किस टाइप से इंटरप्रेट होगा, मीन्स कंपाइल सक्सेसफुली होगा, लेकिन जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सपोज दैट दिस इज द बाइट्स अवेलेबल इन साइड रैम मेमोरी, मीन्स रैम के अंदर कोई प्लेस है जिस प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स अवेलेबल, मीन्स रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रैम मेमोरी. कोई मिडिल लोकेशन, इस मिडिल लोकेशन का एड्रेस क्या है 100 101 102 103 104 एंड सो ऑन. सेम प्रीवियस लोकेशन क्या हो जाएंगे 99 एंड सम अदर लोकेशन. जैसे इस केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्रिएट किया हो रहा है एरे एस. इस केस में एस के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली 2 बाइट्स, क्योंकि साइज कितना प्रोवाइड किया ओनली 2. इसे 2 बाइट्स के ब्लॉक को नेम आसान हो जाएगा एज अ एस, क्लियर. इसे एस के लिए टोटल कितने बाइट्स जरूर हैं, जस्ट 2 बाइट्स. लेकिन नेक्स्ट टाइम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के थ्रू स्ट्रिंग हेलो के कंटेंट्स कॉपी किस लोकेशन में जाएंगे, इनसाइड एस. एस के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ, बेस एड्रेस ऑफ एरे एस. एस का बेस एड्रेस क्या 100, तो इस प्लेस पर पास क्या हुआ 100. इस प्लेस पर पास क्या हुआ, मीन्स एक सेपरेट स्ट्रिंग क्रिएट हुआ समथिंग हेलो कैरेक्टर्स के एच ई एल एल ओ एंड नल. सपोज दैट इस लोकेशन का एड्रेस क्या समथिंग 200, सम एनोनियम स्ट्रिंग विच इज क्रिएटेड इन साइड डेटा एरिया. इस केस में हेलो के प्लेस पर सप्लाई किया हुआ 200, तो जस्ट 200 प्लेस से वन बाई वन कैरेक्टर्स कॉपी हो गए आसान किस प्लेस पर होंगे, जस्ट 100 लोकेशन ऑनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेकिन डेटा कब तक कॉपी हो, जब तक टारगेट स्ट्रिंग के अंदर आपको नल नहीं मिल जाता, मीन्स डेटा कॉपी किस प्लेस होगा फ्रॉम 200 अप टू नल, क्लियर. तो सबसे पहले कॉपी क्या हुआ एज. अब इस केस में इससे कोई मतलब नहीं कि 100 के जस्ट बाद कितने बाइट्स जब्ड है कितने बाइट्स अनजब्ड है, मीन्स जस्ट डेटा किस प्लेस से कॉपी होना स्टार्ट होगा, फर्स्ट कैरेक्टर रीड किस प्लेस होगा 200 से, कॉपी किस प्लेस होगा 100. 100 लोकेशन में फर्स्ट कैरेक्टर कॉपी क्या हो जाएगा एच, नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट प्लेस से कॉपी होगा प्लस नेक्स्ट बाइट में असाइन होगा ई. इस टाइप से सारे के सारे कैरेक्टर्स कब तक कॉपी पेस्ट होंगे, जब तक टारगेट स्ट्रिंग के अंदर नल फाउंड नहीं होता. नेक्स्ट टाइम क्या है एल, चेक करो इस केस में बिगिनिंग टू कैरेक्टर किस प्लेस पर असाइन हुए, रिजर्व्ड प्लेस. लेकिन रिमेनिंग जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होंगे सारे के सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर किस प्लेस पर असाइन हो जाएंगे, एज अ अनरिजर्व्ड मेमोरी प्लेस. देन फाइनली लास्ट केस में कॉपी क्या हो जाए नल, जैसे इस केस में नल कॉपी हो, उसके बाद कॉपी होना स्टॉप हो जाएगा. मीन्स इस केस में हेलो के केस में जस्ट एस के अंदर टू कैरेक्टर बिगिनिंग टू कैरेक्टर रिजर्व्ड प्लेस पर असाइन हुए, रिमेनिंग कैरेक्टर्स अनरिजर्व्ड प्लेस पर असाइन हुए. इसलिए अनरिजर्व्ड प्लेस की वजह से हो सकता है इस प्रोग्राम का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट हो, मे बी सम लॉजिकल एरर और मे बी सम रन टाइम एरर सिगमेंटेशन फॉल्ट. देन फाइनली इस केस में डिस्प्ले करा पुट्स एस, एस के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ एस का बेस एड्रेस विच इज 100, तो प्रिंटर सॉरी पुट्स फंक्शन डेटा किस प्लेस रीड करेगा फ्रॉम 100 लोकेशन, और 100 लोकेशन ऑन वो डेटा कब तक रीड हुआ, मीन्स अप टू रिजर्व्ड प्लेस और अप टू नल. मीन्स इसको रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड प्लेस से कोई मतलब नहीं, जस्ट रीड कब तक करेगा, जब तक इसको नल नहीं मिल जाता. तो इस केस में अगेन डिस्प्ले क्या हो जाएगा फाइनली मैसेज एस हेलो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम, क्लियर. मीन्स अगर आपने स्मॉल साइज यूज किया देन नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के साइज से ज्यादा इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं, लेकिन स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस के थ्रू एनी नंबर ऑफ बाइट्स कॉपी करना पॉसिबल है, क्योंकि इस केस में एक्स्ट्रा बाइट्स और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कॉपी किस प्लेस पर होंगे, सम
unreserved memory place. Next one, example 3. कंसोलिडेट क्या करना, दैट एग्जांपल. इस केस में अगेन बात करें, इस केस में एरे डिफाइन किया ए. इस एरे ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इनिशियलाइज हुए, देयर आर 4 कैरेक्टर्स. लेकिन टोटल साइज क्या हुआ एरे का, 5. क्योंकि लास्ट वाइट असाइन किया हुआ एज अ नल कैरेक्टर असाइन किया हुआ. इस केस में ए बी सी के देन टर्मिनेटेड बाय नल. एड्रेस समथिंग 100 101, 102, 103, 104. एरे का नेम क्या है इसके इसमें ए. इंडेक्सेस आर ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए 3 एंड ए 4. क्लियर. नेक्स्ट वन, इसके इसमें फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, ए ऑफ 0. तो ए ऑफ 0 में करेंटली क्या स्टोर है, ए. तो ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए का आज की वैल्यू क्या जस्ट 97. तो ए में जब जस्ट इस प्लेस पर इंक्रीमेंट होगा तो 97 प्लस 1 क्या होगा, 98. फाइनली सेम प्लेस पर असाइन किया जाए 98, विच इज आस्की वैल्यू ऑफ बी. तो इस प्लेस पर जस्ट इंक्रीमेंट करने का इस प्लेस का न्यू वैल्यू क्या होगा, बी. क्लियर. नेक्स्ट केस, लोकेशन ए ऑफ 1 में क्या असाइन किया, मेनली कैरेक्टर ए. तो ए ऑफ 1 में एग्जिस्टिंग कैरेक्टर क्या था, बी. नेक्स्ट टाइम असाइन क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ए और आस्की वैल्यू ऑफ ए. नेक्स्ट वन, जस्ट इसके प्लेस पर एलिमेंट डिस्प्ले कराओ तो पुट्स के प्लेस पर सप्लाई किया हुआ 100. तो इस केस में फाइनली आउटपुट क्या प्रिंट होगा, डेटा किस प्लेस रीड होगा, 100 लोकेशन ऑनवर्ड बी ए सी के. कब तक रीड होगा, जब तक नल नहीं मिल जाता. उस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा, जस्ट बैक. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में बात करें, जस्ट टू स्ट्रिंग क्रिएट किए एस वन एंड एस टू. तो एस वन के केस में इनिशियल कंटेंट्स क्या है, वाई, और S2 के केस में कंटेंट्स क्या फाउंड हो, जस्ट एक्स वाई जेड. तो S2 के अंदर जो भी कंटेंट्स है सेम कंटेंट्स आप ट्राई किस क्लिक कर रहे हैं, असाइनिंग इनसाइड एरे S1. S1 इस केस में स्ट्रिंग तो है लेकिन स्ट्रिंग के साथ साथ S1 और S2 के एरे. और एरे के केस में मैंने आपको पॉइंट नोट डाउन कराया था, किसी भी टाइप के एरे में एरे टू एरे डायरेक्टली असाइनमेंट पॉसिबल. ये असाइनमेंट कैसा है, जस्ट इनवैलिड. रीज क्या है, उसके इसमें एल वैल्यू रिक्वायर्ड कंपाइल टाइम एरर. अगर आप रियल में स्ट्रिंग के कंटेंट असाइन करना चाहते हो तो इस केस में यूज क्या करोगे, लाइब्रेरी फंक्शन एस टी आर सी पी वाई लाइक दैट. दिस इज द वैलिड स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन, मीन्स इट इज इनवैलिड. मीन्स करेंटली इस केस में रेज क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर.